अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। आज हमारा ईद का पहला दिन था यूएई में, परदेश में, और दिन बेहतरीन गुजरा। आप सबको ईद की मुबारकबाद। और कल हमारे देश में जहां पर हमारी फैमिलीज हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वहां पर ईद है पाकिस्तान में। तो मैं पाकिस्तान में मौजूद तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को ईद की चांद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये ईद आपके लिए बेहतरीन रंग लेकर आएगी, खुशियां लेकर आएगी, सुकून लेकर आएगी, रहमत लेकर आएगी इंशाल्लाह लजीम। मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने लिए और आप सब के लिए कि हमेशा अल्लाह ताला से सेहत की, ईमान वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी की दुआ किया करें। पैसा, पोजिशन, शोहरत इंशाल्लाह लजीम खुद ब खुद आपके पास आएगी। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आपके पास सब कुछ है। बाकी चीज़ें भी जब आपके पास आएंगी तो आपके पास कम से कम संभालने की ताकत होगी। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद के बदले, ईद के दिन, ईद के सदके, इस खूबसूरत दिन के सदके जो कि रमज़ान के बाद हमको तोहफे में मिलता है, आपकी आने वाली ज़िंदगी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कारोबार के लिए बेहतरीन हो। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। हमें भी अपनी दुआ में याद रखेगा, लेकिन याद रखेगा दुआओं के साथ साथ कुछ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ करेंगे नहीं तो दुआएँ भी कहाँ काम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक।